दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए वेरियस टॉपिक्स को, बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वेरियस टॉपिक्स। सो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते वक्त हमें किन किन चीजों की ध्यान रखना है। तो आज इस वीडियो में हम एंड तक यही बात करेंगे कि क्या चीजें ऐसी हैं जिनका हमें ध्यान रखना है ताकि हमारा जो बैंक अकाउंट है वो हैक ना हो सके, या फिर उसका हमारा जो पासवर्ड है वो कोई दूसरा चोरी ना कर सके। सो दोस्तों, जैसा कि आपने टाइटल पढ़ी लिया होगा कि मैं इसमें कोई आपको मेरा इंटरनेट का जो बैंकिंग का जो पासवर्ड है वो नहीं बताने वाला, लेकिन इसमें हम बात करेंगे हमारी बैंक अकाउंट की सिक्योरिटी की। जी हाँ, बहुत सारे आज की डेट में इंटरनेट ट्रांजेक्शन बढ़ती चली जा रही हैं, वहीं पे हमें हमारे इन इंटरनेट के थ्रू जो हम ट्रांजेक्शन करते हैं, नेट बैंकिंग के इस्तेमाल करके हम जो ट्रांजेक्शन करते हैं उसको करने के लिए हमें हमारी बैंक अकाउंट्स को उतना सिक्योर रखना भी हमारी जवाबदारी बनती है, ताकि हमारे अकाउंट्स जो है वो कहीं हैक ना हो सके। इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते वक्त हम दो चीजों का इस्तेमाल करते हैं, या तो हमारे पीसी या लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं या फिर हमारे स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं। दोनों ही कंडीशंस में हमें एक चीज का बहुत ही इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, वो ये है कि जब भी अगर हम पासवर्ड की बात करें, यूजर एंड पासवर्ड अगर लॉगिन की बात करें, तो ये जो आप स्क्रीन देख रहे हैं, स्क्रीन में ये जो आपका लॉगिन आईडी है और ये जो पासवर्ड है, पासवर्ड अगर हम इस्तेमाल करते हैं हमारे कीबोर्ड को डालने के लिए, तो हमारे कीबोर्ड में एक स्टैटिक कीबोर्ड बना हुआ है जहां पे सारी की सारी वैल्यूज जो है, ए दबाएंगे तो ए की वैल्यू पास ऑन होती है, आर दबाएंगे आर की वैल्यू पास ऑन होती है, और ये वैल्यूज जो पास होती हैं, और अगर कहीं गलती से जिस सिस्टम से हम ये अपना यूजर आईडी पासवर्ड एंटर कर रहे हैं वो अगर कंप्यूटर या लैपटॉप अगर हैक हो रखा है, या फिर किसी ने उसमें की लॉगर जनरेट करके रखा हुआ है, की लॉगर उसमें डाल के रखा हुआ है और की लॉगर अपना काम कर रहा है, तो हम जब भी अपने कीबोर्ड के इस्तेमाल करके अपना पासवर्ड डालेंगे तो वो उनके डेटाबेस में स्टोर हो जाएगा और हमारा जो पासवर्ड है वो हैक हो सकता है। तो इससे बचने के लिए हमें करना क्या है, इससे बचने के लिए हमें, आपने अगर ध्यान दिया हो तो ये जो स्क्रीन के आगे ये जो पासवर्ड के सामने बटन दिया है इसको कहते हैं वर्चुअल कीबोर्ड। जी हाँ, ये वर्चुअल कीबोर्ड जो नेट बैंकिंग जितनी भी वेबसाइट्स हैं वहां हर जगह पे आपको मिलेगा। इसमें होता क्या है कि यहाँ पे आपको कोई भी वैल्यू स्टैटिक नहीं मिलती है, तो हम इस कीबोर्ड का, वर्चुअल कीबोर्ड का इस्तेमाल करेंगे तो भले ही उस सिस्टम के अंदर पहले से कोई वायरस की वजह से या कोई भी किसी भी तरह का अगर हैक भी हो रखा है या की लॉगर भी डला हुआ है, तो हम उससे बच सकते हैं, अपने पासवर्ड को बचा सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम जब भी पासवर्ड का इस्तेमाल करें तो ये वर्चुअल कीबोर्ड जो दिया गया है बैंक के द्वारा उसका इस्तेमाल करें, ताकि हमारे जो पासवर्ड है वो और ज्यादा सिक्योर हो सके। आगे अगर मैं दूसरी बात करूं तो हमें इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि हमारी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो हमें जो है किसी से शेयर नहीं करनी है, चाहे वो हमारा क्रेडिट डेबिट जो भी अकाउंट का कार्ड है उसका इस्तेमाल हमें करते वक्त भी हमें किसी को अपनी इंफॉर्मेशन नहीं देनी है। और अगर हम नेट बैंकिंग की पर्टिकुलर बात करें तो वहां पे हमें जो पासवर्ड लगाया है वो एक मतलब 2 महीने बाद 3 महीने बाद कभी एक बार चेंज जरूर कर लेना चाहिए, और पासवर्ड कोई ऐसा डालें जो कि अल्फाबेटिकल प्लस न्यूमेरिकल वैल्यूज को कॉम्बिनेशन में बनाओ, ताकि हम कभी भी जब भी किसी इंसान के बारे में बात करते हैं तो हमें उस इंसान की जितनी भी इंफॉर्मेशन पता होती है हम उसका एक गेस लगाते हैं। तो पासवर्ड कुछ इतना इस हिसाब से बनाए जो हमारी डेली रूटीन जो है लाइफ की उससे मैच ना करता हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब हमारी ट्रांजेक्शन खत्म हो जाए
तो हमारे नेट बैंकिंग का जितना भी जो वेबसाइट खुली हुई है उससे लॉग आउट करना ना भूलें। हालांकि बैंकों ने ऐसा बहुत ही अच्छा सिक्योरिटी सिस्टम दे रखा है कि अगर आप अपने अकाउंट में लॉग इन करके कुछ देर के लिए आइडल छोड़ देते हैं वो ऑटोमेटिकली लॉग इन हो जाता है, लेकिन अगर आप थोड़ी देर के लिए जब तक वो आइडल होता है उसी दौरान भी हैक किया जा सकता है। तो उन सी चीजों से बचने के लिए आपके ट्रांजैक्शन जैसे कंप्लीट हो जाते हैं आप खुद उसको लॉग आउट करना ना भूलें। सो दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा क्योंकि इसमें हमारे नेट बैंकिंग के सिक्योरिटी की बात हो रही है। तो किस तरह से सिक्योर रखना, आपको इस विषय से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी है या कोई सजेशंस है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर मुझे बताएं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। और मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर।